Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. My name is Nosheen Naseem and I am from University of Poonch. Aaj ek main aapko overview dungi ki is hafte mein hum kya padhenge. Lecture number 9 mein hum padhenge screening test aur lecture number 10 mein hum padhenge presentation of data. Screening test mein hum jo further topic padhenge wo hum padhenge sensitivity aur specificity. Sensitivity kya hota hai? True positive aur specificity true negative. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 1000 पेशेंट लिए तो उसमें से जब हमने उनकी स्क्रीनिंग करवाई तो हमने कहा कि 100 जो हैं वो उनमें डिजीज़ है, 900 को हमने कहा कि उसमें डिजीज़ नहीं है. 100 की हमने जब फर्दर टेस्ट करवाए तो उसमें से 80 पॉजिटिव आए और 20 नेगेटिव आए. तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो पॉजिटिव आए उसको हम टोटल के साथ डिवाइड करेंगे तो मतलब हमारे पास जो सेंसिटिविटी है इस टेस्ट की वो 80% है. तो स्पेसिफिसिटी मतलब ट्रूली नेगेटिव. 900 पेशेंट जिनको हमने कहा था कि इनके अंदर डिजीज़ नहीं है तो उनके जब हम टेस्ट करवाते हैं तो 900 में से 100 ऐसे पेशेंट थे जिनमें टेस्ट पॉजिटिव आ गया. तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो 800 जो पेशेंट थे जिनमें टेस्ट नेगेटिव आया उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल के साथ तो हमारी जो स्पेसिफिसिटी होगी वो होगी 89%. सेकेंड जो टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन स्क्रीनिंग टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट. स्क्रीनिंग टेस्ट हम कब करवाते हैं? इनिशियल स्टेज पे करवाते हैं किसी भी डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए या फिर रिस्क फैक्टर को देखने के लिए. तो डायग्नोस्टिक टेस्ट हम किसी भी डिजीज़ को कंफर्म करवाने के लिए करते हैं. जो कंफर्मेशन टेस्ट होता है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट ही होता है. थर्ड जो इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्रेवलेंस एंड प्रिडिक्टिव वैल्यू. तो इसका रिलेशनशिप क्या है कि प्रेवलेंस का इम्पैक्ट पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू पर भी होता है और नेगेटिव पर भी होता है. जब प्रेवलेंस बढ़ेगा तो पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू भी बढ़ेगी और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू डिक्रीज करेगी. और जब प्रेवलेंस डिक्रीज करेगी तो पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू डिक्रीज करेगी और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू इंक्रीज करेगी. लेक्चर नंबर 10 में हमने पढ़ना है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता क्या है कि आपने रिसर्च में जो भी डाटा कलेक्ट किया है तो उसको आप किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक ग्राफ की फॉर्म में कर रहे हैं, टेबल की फॉर्म में या टेक्स्ट की फॉर्म में कर रहे हैं. उसको आप अरेंज करते हैं किसी भी फॉर्म में, उसको प्रेजेंट करते हैं. तो लार्ज डेटा को स्मॉल टेबल या ग्राफ के फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करेंगे इसके जो सब टॉपिक है उसमें ही आता है. तो अगर आप टेबल की फॉर्म में कर रहे हैं तो उसको रोज और कॉलम की फॉर्म में करेंगे, और अगर आप ग्राफ की फॉर्म में कर रहे हैं तो उसको लाइन्स और कर्व्स की फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे अपने डाटा को. सेकेंड जो इसका टॉपिक है वो है यूज ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन इन रिसर्च. रिसर्च में आप डाटा प्रेजेंटेशन जब आप करते हैं वो ग्राफ की फॉर्म में करते हैं या टेबल की फॉर्म में या टेक्स्ट की फॉर्म में, तो इसलिए करते हैं कि आप ऑडियंस को अच्छी तरह से समझा सकें, उनको क्लेरिफाई कर सकें आपने जो भी डाटा, क्योंकि आप पूरी थ्योरी को नहीं एक्सप्लेन कर सकते, आपने उसको असेंबल किया हुआ होता है ग्राफ की फॉर्म में या फिर टेबल्स की फॉर्म में. आप उनको अच्छी तरह से एंगेज कर सकते हैं और उनको समझा सकते हैं अपने आपका जो भी डाटा होता है. आगे टाइप्स ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन, तो इसका हमने पहले भी पढ़ा है कि इसकी तीन ही जो फॉर्म होती हैं, टेबुलर फॉर्म होती है, टेक्सचुअल फॉर्म होती है और ग्राफिकल फॉर्म होती है. टेबुलर फॉर्म में हम टेबल की फॉर्म में करते हैं, टेक्सचुअल में टेक्स्ट की फॉर्म में करते हैं और ग्राफिकल में ग्राफ्स की फॉर्म में हम इसको अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं. थैंक यू.